अपना लैंडिंग पॉइंट ही आ गया। लत्त उपर कर ला थले कर लो थले बच्चे हो गए पढ़ लो मैनू पढ़ लो आ गया थले हेलो गाइस वेलकम बैक। सो आज आप चल रहे हैं खजियार मिनी स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड इंडिया का तो डलहौजी तो जो तुम बाइक रेंट पर करते हो तो बाइक का कुछ चार्जिस 1500 समथिंग है तो जो तुम कैब करते हो तो 2500। बट हूँ मैं फटाफट प्लान बनाया तो इस टाइम मैं नीचे जा नहीं सकता तो हूँ मैं बस का वेट कर रहा देखते हैं बस का की रेंट है बस कितने बजे आती है वापस कितने बजे आती है। सो दैट थोड़ी मैं पूरी डिटेल दाँगा अपनी। सो बने रहो मेरे नाल इस वीडियो। सो गाइज बस की जी टिकट है वो सिर्फ 50 रुपये है खजियार आने वास्ते। तो यह बस है सवेरे 9:30 बजे तो कितने बजे 10 बजे तो वापसी 2 बजे तो 3:30 बजे तो पिछे मेरे है खजियार खजियार जो भी है अनुभव करना हूँ ठीक। सो गाइस आप आए थे खजियार सिर्फ एक काम करने वास्ते वो सी अपनी पैराग्लाइडिंग। भाई इधर एक तो दस दोगे एक बार दस दो ना मेरा यूट्यूब चैनल है तुम दस दोगे इतने किस मौसम चाहिए किमें किमें मौसम तो जैसे गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है मौसम ना। अच्छा 12 महीने ऐसे क्लाइमेट मिलेगा आपको यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। और क्या कितने बजे आए पैराग्लाइडिंग के लिए मौसम? पैराग्लाइडिंग के लिए तो मॉर्निंग टाइम में होता है पैराग्लाइडिंग जो है ना। अच्छा वो पैराग्लाइडिंग जो है मॉर्निंग टाइम में होगा आपका तो गोप्रो वगैरह आप दे दोगे ना? गोप्रो दे देंगे आपके लिए। ठीक है तो सर यहाँ पे दो राइड हैं कितने किलोमीटर की है? एक 3 किलोमीटर की एक 6 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की। चलो देखते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस। आपका नाम? मेरा नाम सनी है। सनी है सो गाइज ये अपना पैराशूट की है पैराशूट सो गाइज पैराग्लाइडिंग करने वास्ते सानू कैब च बहना पैना पहले तो ऐसे हूँ। सो गाइज पैराग्लाइडिंग करने के लिए आपको पहले कितनी ऊपर जाएंगे सर? हेलो कितनी ऊपर जाना है? 2 किलोमीटर हमारी गाड़ी लेके जाएगी अभी आपको ना। ठीक है उसके बाद ट्रैकिंग रहेगा जैसे 300 मीटर का ट्रैकिंग। अच्छा तो 2 किलोमीटर गाड़ी जाएगी उसके बाद 300 मीटर का ट्रैकिंग है फिर वहाँ से नीचे आएंगे हम। आपको सर कितना टाइम हो गया यहाँ पे शुरू से? लोकल ही हम लोकल ही ठीक है। ये पड़ेगी यूट्यूब पे वीडियो ना सारी तो इसलिए लोकल है सर यहाँ से। इनका नाम तो सनी है आपका नाम? मेरा नाम सुरेश नाम है जी मेरा सुरेश फ्रॉम डलहौजी पैराग्लाइडिंग का काम है लोगों को पैराग्लाइडिंग करवाते हैं सर। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये आपको दिल खुश कर देंगे आपको ना जब भी आप आओ तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हाइट में रहेगा सर इसका। जैसे बाइक को लेके जा रहे हैं ना तो बाइक को पैराग्लाइडिंग कराएंगे तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हाइट में रहता है इसी। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे मैं सिर्फ इसी के लिए आया हूँ इतनी दूर चंडीगढ़ से यहाँ पे सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने 1 घंटे के लिए और फिर वापस। बहुत बढ़िया रहेगा आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा आपका मजा आएगा। जब रिटर्न आएंगे पूछेंगे आपको कि भाई कैसा लगा आप बोलेंगे भाई बढ़िया लगा मेरे को मजा आया यार धरती से ऊपर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है चलो देखते हैं गाइस कैसा रहता है। तो हमारे सर पीछे बैठे हैं जो हमें पैराग्लाइडिंग कराएंगे। देखो पूरे हीरो लग रहे हैं दोनों, मेरे पास चश्मे नहीं है, पूरे स्मार्ट बन गया मैं ऐसे ही उठ के आ गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है सर। आप अभी आप जाके तैयार तूर होंगे, अभी नहाएंगे हम तो जैसे अपने वर्क के लिए आ गए हैं ना। आप नहा धो के फ्रेश होके तैयार होके आए। आपकी शिफ्ट शुरू हो गई है ना? शिफ्ट स्टार्ट होगी ना, वही बात है ना। हम सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने हैं। कहाँ से हो आप? मैं सर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से मैं यहाँ पे छोटे से डांस के इवेंट के लिए आया था। DPS स्कूल है ना? जी जी जी, वहाँ पे डांस के लिए आया था मैं बस। तो मेरे पास अभी थोड़ा सा ब्रेक था बीच में, तीन घंटे चार घंटे का ब्रेक मेरे पास। चलिए पैराग्लाइडिंग भी मेन एक्टिविटी है यहाँ की खजियार की वजह से। जो बर्फ पड़ती है सर जी, तो टोटल लोकेशन लगती है स्विट्जरलैंड की। जैसे पेड़ ढक जाएंगे ग्राउंड के अंदर, ढाई ढाई तीन तीन फुट बर्फ रहेगा, तो पूरा लोकेशन लगेगा आपका स्विट्जरलैंड का, इसलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया हुआ है। और बर्फ पड़ती कब, कौन से महीने में? दिसंबर जनवरी फरवरी, दो तीन महीने जो होते हैं ना ये स्नो के महीने होते हैं, दो तीन महीने बर्फ रहती है। तो इस रोड पे जैसे हम जा रहे हैं ना, तीन तीन फुट बर्फ रहती है यहाँ पे। तो क्या बोलते हैं, तो बंद हो जाता है उस टाइम? बिल्कुल बंद हो जाता है सर जी। ग्लाइडिंग तो वैसे करते हैं जब कोई शौकीन होगा, क्योंकि जब टेक ऑफ पॉइंट है ना हमारा, वहाँ से ज्यादा बर्फ रहता है वैसे ना। अच्छा, तो अगर जैसे जो शौकीन है चढ़ सकते हैं, क्या करके जा सकते हैं ऊपर, वो तो कर लेते हैं। जो बाकी आदर नहीं कर पाते ना, कहने का मतलब। तो जो क्राउड रहती है वो जून के महीने में ज्यादा होती है, जून जुलाई, मई जून। अच्छा, जुलाई में बारिश है? जुलाई के बाद जैसे आप 15 के बाद हमारे पैराग्लाइडिंग का काम बंद हो जाता है सर। अच्छा, मौसम, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड काम रहता है ना ये। अच्छा, तो ये काम मतलब दो महीने के लिए स्टॉप हो जाएगा पैराग्लाइडिंग का जो होता है ना हमारा। अच्छा, उसके बाद ब्रेक है, दो महीने के लिए ब्रेक होता है सर जी। ये भी सही है। तो जब भी आना सर नोट कर लो टाइम मई और जून का। और यहाँ पे तो मैंने जिनसे अभी तक बात की है ना, मैं जितने गल की है सारे नेचर बहुत वधिया है। थोड़ा लाइक फील नहीं होगा घरों बाहर आए हैं, किसी अनजान नाल जा रहे हैं, थोड़ी रिस्पैक्ट करेंगे, बड़े प्यार नाल बुलाएंगे, जो कि हिमाचल की खासियत है। तुम और प्यार ना मिलते हैं। देखो साढ़े मिस्टर सनी जी पूरे की कहते हैं हीरो हीरो की लुक च है बिल्कुल। तो साढ़े भाई साढ़े लाके जाते हुए 2 किलोमीटर, चलो देखते हैं की बनता अगे। ओके यो। सो गाइस अपना 2 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो गया, तो हूँ अपनी ट्रैकिंग है। वो भाई पीछे लैके आ रहा है मेरे वास्ते पैराशूट। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पता नहीं किमें रहेगा। हाँ जी इधर ही। सो 2 मिनट साल चढ़ गए इतने पहाड़ों जाके। ओह भाई किन्ना कितने गया भाई, किन्ना वजन लैके आ रहे हैं। साड़ी तो हूँ बस हो गई सर, अगे इधर जाना है उपर। ओले मजा आऊगा पूरा, स्पेशल मैं इन्नी दूर सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने वास्ते आया गया। सो रेट भी दस देना, पैराग्लाइडिंग का जो प्राइस है वो 2000 रुपये है, प्लस 500 रुपये कुछ नाल गोप्रो शॉट। बस हो गई मेरी तो। ये बने इतने वेटिंग जोन, रेस्ट फॉर मान लो थोड़ी देर बैठ के। वो तो बड़ी दूर रह गए, हाले दिख रहे कितने नहीं वो आ रहे। सो गाइस रस्ते में एक और छोटी सी कैंटीन बनी हुई यहाँ पे, तुसी अपना कुछ खा पी सकते हो इतने। ये साढ़े इतने कैंटीन दे ओनर सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी, तीन चार साल हो गए। मजा आ रहा है। ये दे कितने के हैं? 2 खीरे। दो खीरे कितने के हैं लगा दो, बता दो, मैं आपको गूगल पे कर दूंगा ना। दे दो यार। सो सुविधा पूरी है। ये कितना नीचे से लेके ऊपर है, कितने का ये ट्रैक है? 400 मीटर सर। वो मैं 200 मीटर बोल रहे थे, चीटिंग करके मेरे साथ। सो 400 मीटर के बीच में इन्होंने आपको छोटी सी कैंटीन दी हुई है, उसी आओ खाओ पियो आराम।
सो गाइज पहुँच गए असं फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पर। ये बाई कर रहे अनपैकिंग पैराशूट की, तो हूँ बन के छे किलोमीटर है ना भाई, छे किलोमीटर क्या भाई सन्नी न, देखते हैं किदा एक्सपीरियंस। दिल बुक चू कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं कि होंगे। अरे बाबा बचाली अज रस्सियां देख लो, सुपरमैन तैयार है अपनी फर्स्ट उड़ान भरने के लिए। आप चलोगे आप चलोगे मतलब? हाँ जी हाँ जी, हम आपके साथ रहेंगे, ये साथ रहेगा पायलट। ये सनी, हाँ जी सनी इन द हाउस। देखो कितना मेरा पायलट कितना स्मार्ट है, अपना दिल बाहर आ चुका बिल्कुल। हे भगवान गलती जल्दी माफ करना, टाइम पे पहुंचाना। कितने टाइम लगता है प्रोग्राम सर? 4 से 5 मिनट सर, उतने में हो जाएगा। ये दिन में 8-10 बार उस पर खत्म हो जाता है? नहीं खत्म कैसे हो? लंबा लंबा फ्लाई में कर देंगे, आपने चलना है। जय बाबा जी। हो गया कैमरा ऑन? चलो चलना है, मेरी ओहो पीछे हो जा। हाय 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 लोग तो नहीं पकने वासी। ओ मित्रों नजारा आ रहा पूरा यार, मेरा पैसे पूरे हो गए थे आगे। हाय 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 फाइनली, सो फाइनली मैं बन गया हूँ सुपरमैन। सुपरमैन ना ला हॉलीवुड का सारा खजियार मेरे पैरों थले है, तो मैं इस टाइम हवा चा। ओहो तो गाइस जेड़े जेड़े मेरी वीडियो देख रहे हैं, छड़ो ना तुसी भी खजियार आओ, पैसे लाओ ते आराम नाल वीडियो बनाओ। वीडियो बनाओ लो जी, ते साडे नाल साडे सनी भाई कहंदे हवा दे नज़ारे लैंदे होए। हाय 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 कसम नाल ਆਏ ਸਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਕਸਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ 5000 ਫਿਟ ਉੱਪਰ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਆਦੀ ਬਾਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਵੀ ਲੈਫਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਾਂ ਯਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ
कहाँ आ गया इन वादियों में। ये 5 मिनट जिंदगी के बेस्ट 5 मिनट। मजे। देखो गाय तुम इदा ही कुछ खाते पीते हो, अपने पैसे खराब करते हो, तो इतने आओ आराम नाल मजे करो जिंदगी दे, कुछ अलग करो। सारा दिन धरती घूमते रहते हो, थोड़ा धरती उपर उठ के देखो आसमान से बहुत कुछ देखने वाला। अभी गाइस दिन है, अभी चांद तारे नहीं है, फिर मैं तोड़ के लेके आया था आप सबके लिए। अभी सूरज है, सूरज बहुत दूर है। अगर रात का टाइम होता तो मैं पक्का ट्राई करता 2-4 तारे तोड़ के लेके आ जाऊँ, पर तारे यहाँ कोई है नहीं। देखो अपना लैंडिंग पॉइंट ही आ गया। लत्त उपर कर ला, थले कर ला जी, कि थले बच्चे हो गए। वो पढ़ लो, मैनू पढ़ लो। सो गाइस स्वाद आ गया पूरा। ओ जिंदगी दे नज़ारे, तुसी एदा ही पैसे खराब कर दे अपने। कितना 2000 दी गल है सारी। आओ अपना आराम नाल नज़ारे लो, देख ए भाई ले रहा नज़ारे। उपर जाके इदा लगना तुसी ना चेयर ते बैठे हो, थोड़े सामने किसने कूलर या फराटा लाता है, ठंडी ठंडी हवा थोड़े मुँह ते लग रही है। बस थले कोई डर नहीं, कुछ नहीं, एवं चीकां मर जाओ, हाय मर गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं। पूरा स्वाद लो, 5 मिनट का नज़ारे, स्वाद आ गया वही कसम नाल। हुण देखते हैं की होंगे अगे। ओ देखो पिछे जनता उड़ती हुई आवाज, किधर गया हाथ मेरा यारी। आलू बुखारे का पेड़ है। अरे गाइस पापा खाने कुछ बढ़िया चीज, अज आलू बुखारा नहीं है, कुछ और लगा इतने थले लगे है, वो देख के टूटे है। अच्छा ये रे आलू बुखारे हैं। ये भाई कितना बढ़िया यार, नाल लेके भी आया, झूठी भी दवाई मैंने इन्हें, हम उपर लग चल आलू बुखारे तोड़ो मेरे वास्ते। देखिए नहीं घंट चीज़ है, ए थले लगे तो कच्चे कच्चे हो गए। ओह हो
लो जी असं वापस आ गए हूँ दोबारा खजियार मेन ग्राउंड च। बहुत जनता इतने लोग बाली जनता इतने कहते। ओह माय गुडनेस, एक छोटी जी मतलब कह दी तालाब कह दिए पौंड कह दिए है ना, निका जहा है भी इतने। चलो एक चीज़ नवी चीज़ ट्राई करते हैं अच्छ। सो गाइज अपनी पैराग्लाइडिंग होगी डन, तो खजियार देख लो पिछे इनू कहें मिनी स्विट्जरलैंड। तो कहें क्यों नहीं दस सू सर ने कि इतने बर्फ पैंती है तो पूरा कवर हो जाता है तो पूरा स्विट्जरलैंड दुख देंदा है तो करके मिनी स्विट्जरलैंड है। बाकी इतने जनता आई हुई है दूर दूर तक, उस साइड बोलों जी पे थोनों च पा देने तो घूमते फिरते थले आ जाओगे कुछ एक एक्टिविटी। तो गाइज इतने कुछ दो चार एक्टिविटीज़ ने, एक पहली मेन है पैराग्लाइडिंग, दूजी सामने वो पिछे बोलों ने तुम्हें बोलों से पागे तुम्हें रेट देने जाओ हिचकोले खाओ अपने। तो तीजी एक हाँ तो तीन हो गई हॉर्स राइडिंग बोलों वाली तो अपनी पैराग्लाइडिंग। उस तो अलावा इतने कोई होर एक्टिविटी तो है नहीं, बस यही है इतने बस शांति है। इतने पिछे तुम देखो कि वधिया व्यू है, वो देखो जा रहा पिछे बस ये चीज इत बस इत जनता सवाद लैन आती जिंदगी। एक गोला इत एक उम्र इतने शिला जीत लैके पहाड़ा च इसके ऊपर बैठो, इसके ऊपर गर्दन निकालो ऊपर हो जा। छोटी है दस दस भी सैकेंड की है इन वी अद्धा मिनट अद्धे मिनट की राइड है 250 रुपए। Thank you.
देर से।